आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी। इसके लिए मैं पनीर, ये गरम मसाले, ये देगी मिर्च, दो टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, कुछ गरम मसाले, कुछ सूखे मसाले। अब हम पैन में तेल गरम करेंगे, दो चम्मच। तेल गरम हो रहा है, अब इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, जीरा, इलायची जो है वो। अब ये चॉप्ड प्याज डाल देंगे, इसको चला लेंगे, और टमाटर भी डाल देंगे, और ये अदरक का पेस्ट। अब इनको चला लेंगे हम। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टमाटर को गलाने के लिए। अब इसको ढक कर हम 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब ये हमारा पक के तैयार हो रहा है, प्याज और टमाटर का ये मिक्सर, ये तैयार हो गया हमारा। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, और इसके उसको हम पीस लेंगे। अब फिर हम पैन में तेल गरम करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच तेल ले रखी हूँ मैं। तेल गरम हो गया, तेल गरम हो गया, अब हम इसमें ये देगी मिर्च डाल देंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। अब इसमें प्याज टमाटर का जो ग्रेवी हमने बनाया था, अब इसको भी डाल लूँगी मैं। इसको भी हम भून लेंगे। अब इसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये हल्दी पाउडर। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। और तेल छोड़ने तक हम इसको पकाएंगे। अभी हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें शिमला मिर्च, कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। अब इसको भी मसालों के साथ 1 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें कटे हुए पनीर भी डाल देंगे। इनको भी चला लेंगे मसालों के साथ। इसको भी हम 1 मिनट तक भुनेंगे। ये मसाले अंदर तक चले जाएं पनीर के अंदर। अब हम इनको चलाएंगे, इनको तेज आंच पे भुनना है हमें। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी रखना है।
मैं इसमें आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, एक ही साथ नहीं डालना है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हमारी सब्जी का। ये देखिए तैयार।